नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RUHS की जो स्कॉलरशिप प्रोसेस है उसमें किन किन को स्कॉलरशिप मिलेगी, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, और इसके अलावा क्या प्राइवेट कॉलेज वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्राइवेट कॉलेज वाले जो अभ्यर्थी हैं तो उनमें किन किन अभ्यर्थियों को इसके लिए एलिजिबल है जिन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, तो इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि स्कॉलरशिप किन किन को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि जनरल कैटेगरी के लिए, कि जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी, OBC और EWS, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी और OBC में जिन अभ्यर्थियों के पास में मजदूर कार्ड है, मजदूर कार्ड बना हुआ है, मजदूर कार्ड जनरल, OBC या EWS, इन तीनों में, तो वो दोस्तों इसके लिए एलिजिबल होंगे। सबसे पहली बात होगी मजदूर कार्ड की। इनके अलावा जनरल, OBC, इनमें अगर BPL कार्ड बना हुआ है, BPL, तो वो अभ्यर्थी भी दोस्तों एलिजिबल रहेंगे। जनरल और OBC की बात हो गई है। और इसके अलावा बात करें SC ST की, तो SC और ST के अभ्यर्थियों को भी दोस्तों, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तो वैसे ही पूरी जो ये स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी। इनके अलावा बात करें फिजिकल हैंडीकेप की, जो फिजिकल हैंडीकेप अभ्यर्थी हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फिजिकल हैंडीकेप के लिए, हैंडीकेप जो भी अभ्यर्थी है उनको भी ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और EWS के अभ्यर्थी हैं तो EWS के लिए जो APL कार्ड है, EWS के लिए जो APL कार्ड है उनके पास, तो EWS के अभ्यर्थी उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये दोस्तों बात हो गई जनरल, OBC, SC, ST और फिजिकल हैंडीकेप और EWS के लिए की। तो अगर ये अभ्यर्थी हैं, इनके पास अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कंप्लीट करते हैं तो ये इसके लिए योग्य रहेंगे। बशर्ते इसमें एक जो नोट करने वाली ये है कि उनके पेरेंट्स में से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अभ्यर्थी में से कोई ना कोई अभ्यर्थी होगा जिनके माता पिता में से कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा, तो वो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसको इसके लिए स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, ये बात हुई कि इन जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करें तो उनको मिलेगी। तो दोस्तों, आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा, क्या प्राइवेट कॉलेज में भी मिलेगी या सरकारी में मिलेगी। तो दोस्तों, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट में भी मिलेगी, और प्राइवेट के जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया है अगर इसको कंप्लीट करते हैं, तो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से आप सेशन में जो स्टडी कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज है, सबको मिलेगी ये स्कॉलरशिप। इनके अलावा जो नेक्स्ट है कि कितनी मिलेगी, तो जितनी आपकी फ़ीस है, जितनी आपकी फ़ीस, आपकी चाहे फ़ीस कितनी भी हो, आपके पास उसकी रसीद होनी चाहिए फ़ीस की, वो बिल्कुल ज़रूरी है। आपकी चाहे कितनी भी फ़ीस लग रही हो, वो फ़ीस आपकी उतनी आपको स्कॉलरशिप के तौर पे वापस मिल जाएगी। बस आपके पास रसीद होनी चाहिए, डिटेल्स कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई से कॉलेज में आप जा रहे हो, वहाँ पर एडमिशन ले रहे हो, तो वहाँ जो 70,000 रुपये ले रहे हैं कॉलेज वाले, और वो बोल रहे हैं कि जो रसीद देंगे वो 70,000 की, और बोल देंगे कि 35,000 की रसीद नहीं देंगे, तो ये नहीं चलेगा। उस 35,000 का आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपके पास रसीद होनी चाहिए, जो कॉलेज की तरफ से दी जाएगी वो आपके पास होनी चाहिए, तो वो आपको कंप्लीट की कंप्लीट ही मिल जाएगी। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कई अभ्यर्थियों को जो फीस है, जैसे मान लीजिए 70,000 है, तो ये 70,000 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके ही मिली है, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके ही मिलती है ये स्कॉलरशिप। लेकिन 70,000 ये मान के चलो कि आपके जो फीस है उतनी तो आपको 100% मिल जाएगी आपकी स्कॉलरशिप। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों कि ये कब तक मिलेगी, तो दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 से 7 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। 6 से 7 महीने के अंदर ये आपको स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है, 6 से 7 महीने के अंदर आपको ये मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।